दोस्तों, अगर आपने टाइटल थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए लास्ट 10 ईयर का बोर्ड का पेपर, एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवतार विद्या मास्टर में क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस यूपी बोर्ड 2000 मॉडल क्वेश्चन, इसको मिलाकर बनाया गया है। मैं आपको बता दूं इस चैनल पर फिजिक्स के किस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे। फिजिक्स में 4 तरह के प्रश्न थे, बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्व, दीर्घुत्वी। 16 से 31 दिसंबर तक आपको बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्व, दीर्घुत्वी के 4-4 वीडियो मिलेंगे। 4-4 वीडियो में 10-10 प्रश्न आएंगे, टोटल 40-40 प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ में आंसर मिलेगा। प्लस 1 जनवरी से आपको 1 जनवरी को 500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा सभी विषयों के लिए। 2 जनवरी से 20 जनवरी तक आपको लास्ट 10 ईयर का बोर्ड का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। 21 से 5 फरवरी तक मॉडल पेपर और गैस पेपर सॉल्व कराया जाएगा, साथ में लाइव टेस्ट रोज शाम 7 बजे भी होता है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो इस बोर्ड एग्जाम 2019 में आपको 85% से रिजल्ट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप तक कहीं भटक रहे हो और कुछ समझ नहीं आता, सब्सक्राइब करो शुभम काश चैनल को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 5 मार्क्स से जो हमारे प्रश्न आते हैं दीर्घुत्वी वो बताऊंगा। मैंने अति लघु, लघुत्वी और बहुविकल्पी पार्ट 1 बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। सभी क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी 5-6 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुके, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो तो आप इसमें 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा जो 10 मार्क्स आपको दिला सकता है। अगर चारों पार्ट देख लेते हो तो आपके दीर्घुत्वी पूरे तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न 17, 16, 14, 13, 11 5 साल आ चुका है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। आपको स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख करना, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का उल्लेख करना, ठीक है। 17, 12, 11, 8, 7 5 साल बोर्ड एग्जाम आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो 100% फंस जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखा करो, कहीं बीच में मत छोड़कर जाया करो, इसलिए जो मेन बात बीच में बताता हूँ वो सब भूल जाते हो आप लोग, या नहीं सुन पाते हो अगर तुरंत छोड़कर चले जाते हो। 16, 14, 8, 7, 6, 5 साल से आ रहा है। बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, आपको बायो सेवर्ट नियम क्या होता है उसको आपको समझाना है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। आपको 3 चीज में रिलेशन बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में। 17, 9, 7 3 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है लेंज का नियम समझाइए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। तो यही आपको बताना है क्या यह पालन करता है या नहीं, और लेंज का नियम बताना है। 9, 8, 7 3 साल भी आ चुका है। छठा प्रश्न हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विशेषताओं का उल्लेख करना है। 14, 16, 17 3 साल भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f=1/u+1/v की स्थापना कीजिए, जहां संकेतों के समान अर्थ है, ठीक है। आपको किसी अवतल दर्पण के लिए 1/f=1/u+1/v की स्थापना करना है, जहां संकेतों के समान अर्थ है। 17, 16, 15 3 साल भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बात करते हैं आठवें प्रश्न के। आठवां प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। 17, 16, 13 3 साल भी आ चुका है। नवा प्रश्न हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 17, 14, 12, 11 4 साल भी बोर्ड एग्जाम आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है 11, 10, 17 3 साल आ चुका है। समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन द्वारा तथा संसूचन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 3 साल भी आ चुका है। सभी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो जितने पार्ट्स में बता रहा हूँ, तो आपको इस बोर्ड एग्जाम 2019 में 85% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी टाइम है, अगर आप अभी से भी मन लगा पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़े हो तो भी, अगर आप आज से मन लगा पढ़ते हो तो भी आप 85+ पा सकते हो। बस आप में वो जुनून रहना चाहिए कि हमें ये सब प्रश्न तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इन सभी प्रश्न कैसे 4 तरीके से तैयार किया जा रहा है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर, प्लस मॉडल पेपर जो हमारे क्वेश्चन गाइड बैंक है, सभी को मिलाकर बनाया जा रहा है। सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपका टाइम लॉस ना हो, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स पा सके। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो सभी सब्जेक्ट के चाहते हो तो सब्सक्राइब करो शुभम काशन को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह दे दिया है, आपको जहाँ से आसानी पड़े आप वहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।